गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन। मैं हूं नीना और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूरोप आने का, पोलैंड आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप दो एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए से पूरा ज़रूर देखें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसे सेव करके रख लीजिए और फिर इसे पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाला है टाइप्स ऑफ स्कूल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फीस स्ट्रक्चर, कंपैरिजन बिटवीन लोकल स्कूल एंड इंटरनेशनल स्कूल, बायलिंगल स्कूल, ट्राइलिंगल स्कूल एंड किंडरगार्टन एटसेट्रा। एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस वीडियो। पूरे यूरोप के एजुकेशन सिस्टम में तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेजेस किंडरगार्टन। यहाँ पे किंडरगार्टन 2.5 से 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है। किंडरगार्टन में यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती है और किंडरगार्टन में एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे को सोशल स्किल जैसे कि हाउ टू प्ले विद अदर किड्स इन अ काम, शेयरिंग एंड वॉर्डिंग वे, इमोशनल स्किल्स को डेवलप किया जाता है जिससे कि अपनी फीलिंग्स को खुद समझे बच्चा, और सेल्फ अवेयरनेस ये सब सिखाया जाता है, और अपने न्यू फ्रेंड्स कैसे बनाएं और इंट्रैक्शन कैसे करें। यहाँ पर मेनली किंडरगार्टन का मोटो ये होता है कि बच्चे को फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली कैसे डेवलप किया जाए। सेकेंड इज़ प्राइमरी स्कूल, 7 to 14 ईयर एज ग्रुप के लिए है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। वैसे तो किंडरगार्टन से ही स्टार्ट हो जाता है स्मार्ट बोर्ड का यूज़। वैसे तो इंडिया में भी काफ़ी चेंजेस आ गए जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। वह अपनी लोकल लैंग्वेज में भी अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर सकता। वैसे भी लैंग्वेज तो कभी बैरियर होनी ही नहीं चाहिए एजुकेशन के लिए। थर्ड इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप 4 ईयर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करें जिसे हम हाई स्कूल बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है वोकेशनल स्कूल। यहाँ पे आपको बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज के ऑप्शंस मिलते हैं। ये भी स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 जो है 3 ईयर्स का है, स्टेज 2 2 ईयर्स की होती है। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रोफेशन के साथ में उसका वर्क एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। पोलैंड में 4 टाइप के स्कूल हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉलिश स्कूल, जिसमें सारी एजुकेशन आपको पॉलिश में दी जाएगी और ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं तो ये टोटली फ्री होते हैं। सेकेंड टाइप है बायलिंगल स्कूल। बायलिंगल में आपको एजुकेशन देने के लिए 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, तो ये एशियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कूल हैं। थर्ड टाइप है इंटरनेशनल स्कूल। ये जो इंटरनेशनल स्कूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फोर्थ टाइप है ट्राइलिंगल स्कूल। ट्राइलिंगल स्कूल वो स्कूल है जिसमें 3 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं एजुकेशन देने के लिए, बट ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर्स ग्रुप किंडरगार्टन की। यहाँ पे जो किंडरगार्टन है वो 2.5 से 6 ईयर तक चलता है, बट यहाँ का किंडरगार्टन का कंसेप्ट इंडिया से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट अब वहाँ भी ये स्टार्ट हो गया है इंडिया में, बट सारे स्कूल्स ये रूल फॉलो नहीं करते। यहाँ पे चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, पॉलिश स्कूल हो, बायलिंगल ट्राइलिंगल स्कूल, सारे किंडरगार्टन सेम ही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे को पेंसिल दी जाती है वो 6 to 7 ईयर में दी जाती है, बिकॉज देयर हैंड्स आर स्टिल डेवलपिंग, दे आर नॉट फुली फॉर्म्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें प्ले डो, कटिंग, ग्लूइंग, थ्रोइंग बॉल, डिगिंग, इट्स टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है किंडरगार्टन में। क्रैको में बहुत सारे किंडरगार्टन है, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी वो है लिटिल स्टेप्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा किंडरगार्टन है, इंग्लिश किंडरगार्टन है, और सबसे बड़ी बात ये टोटली फ्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड किंडरगार्टन है। और आप पॉलिश स्कूल भी, पॉलिश किंडरगार्टन भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास हो, क्योंकि यहाँ पे किंडरगार्टन में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही करवाई जाती हैं। और दूसरे इंग्लिश किंडरगार्टन भी हैं जैसे लिटिल स्टेप्स, ब्राइट चाइल्ड और CIS, ओपन फ्यूचर, और भी जो भी इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं वो उनमें भी किंडरगार्टन्स होते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी स्कूल्स की। फर्स्ट ऑप्शन तो है पॉलिश स्कूल जो कि टोटली फ्री है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है या परमानेंट सेटल्ड होना चाहते हैं यहाँ पे, तब बात अलग है। अदरवाइज बायलिंगल स्कूल्स हैं यहाँ पे, वो जो एशियंस के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे 3 बायलिंगल स्कूल हैं, दविंसी, क्रैको इंटरनेशनल स्कूल, ओपन फ्यूचर। जो ओपन फ्यूचर और क्रैको इंटरनेशनल स्कूल ज़्यादा इंडियंस के बीच में, एशियंस के बीच में ज़्यादा
पॉपुलर है। पॉपुलर होने का मेन रीज़न है इनका फीस स्ट्रक्चर। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है दोनों का सिमिलर है, और द विंसी का इनके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब एजुकेशन की क्वालिटी तीनों स्कूल में सेम है, तो फिर जो मोस्टली इंडियंस हैं, एशियंस हैं, तो वो क्रैको इंटरनेशनल स्कूल और ओपन फ्यूचर को ही चूज़ करते हैं। मेरी खुद की बेटी भी क्रैको इंटरनेशनल स्कूल में है। जो हमारा रीज़न था क्रैको इंटरनेशनल स्कूल को चूज़ करने का, वो था कि एक तो ऑफिस के पास है, और एक ये सिटी के पास है, और दूसरा मीडियम ऑफ लैंग्वेज। और जो ओपन फ्यूचर है वो है सिटी से काफ़ी दूर है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था जो क्रैको इंटरनेशनल स्कूल है वो कैम्ब्रिज करिकुलम को फॉलो करता है। इंडिया में भी उसका करिकुलम कैम्ब्रिज ही था, तो हमने सोचा कि कैम्ब्रिज करिकुलम में ही कंटिन्यू करवाया जाए। और जो ये क्रैको इंटरनेशनल स्कूल है ये कैम्ब्रिज करिकुलम और पॉलिश करिकुलम दोनों ही फॉलो करता है, बट इस साल से वो सिर्फ कैम्ब्रिज करिकुलम ही फॉलो करेगा। यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्कूल है वो है बिस्क और एम्बेसी इंटरनेशनल स्कूल। अब हम कंपेयर करते हैं बाइलिंगल और इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस को, फिर देखेंगे दोनों स्कूल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइलिंगल स्कूल्स की। फर्स्ट नंबर में है CIS क्रैको इंटरनेशनल स्कूल। इसकी फीस है 1830 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। किंडरगार्टन की फीस है 1450 एंड सेकेंडरी स्कूल की फीस है 2100 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। सेकेंड है ओपन फ्यूचर, इसकी फीस है 1880 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। थर्ड है द विंसी इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी फीस है अराउंड 3000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। अगर इन स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो क्रैको इंटरनेशनल स्कूल और ओपन फ्यूचर में ये रेशियो 1:18, द विंसी में प्राइमरी का रेशियो 1:8 है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स की। फर्स्ट है बिस्क, जिसकी फ़ीस है अराउंड 4900। सेकेंड है एम्बेसी इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी फ़ीस है अराउंड 5000। आपकी और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।